भाई 250-300 रुपये की मजदूरी में आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को बचा के देगा? तो इसमें हमारे जो है इस सरकार में हमें क्या फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं। यूपी का तो उलटफेर होना ही होना। क्या लगता है कि कौन सी बीजेपी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी बनके उभरेगी? बस सपा है उसके अलावा बस। खेती के पैसा भरे ना, अब हमारे नाम खेती है, उसी के पैसा हमारा नहीं आवा। थोड़ा ऐसा पैसा आवा नहीं रहा गैस भरवाई, आप वापसी नहीं आवते, गैस भी महंगी हो गई। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे लखनऊ के गोसाईगंज इलाके से जुड़ा हुआ है, जिसके बगल में ही ये गांव है चांद सराय नाम का। चांद सराय गांव से ही पूर्वांचल एक्सप्रेस वे शुरू हो रहा है। यहां पर हम चांद सराय में ही मौजूद हैं, यहां पर कुछ लोग हैं हमारे साथ। सबसे पहले तो इनसे ही जानेंगे कि ये एक्सप्रेस वे आखिर है किसका। तो मुझे ये बताएं कि लड़ाई चल रही है सपा और भाजपा में कि ये एक्सप्रेस वे हमने बनवाया और हमने बनवाया। एक का कहना है कि शिलान्यास हमने किया, दूसरे का कहना है कि उद्घाटन हम कर रहे हैं। तो किसका है ये एक्सप्रेस वे? एक्सप्रेस वे जो गवर्नमेंट जो बनवाई है योगी जी का है, इनका है प्रोजेक्ट, उनका था जो उन्होंने देखा था कि इसको पास करवाया, मगर गवर्नमेंट की गई, मगर ये सरकार ने वो इसको काम करवाया। तो उसका ये हमारे विचार से योगी जी का होगा। चलिए योगी जी का बताया जाएगा, योगी जी पे ही और बात करते हैं। योगी जी की जो सरकार 5 साल में रही है, अब बस खत्म होने वाली है, 3 महीने चुनाव को बचे हैं। मुझे ये बताएं कि इस सरकार में क्या जन कल्याण के लिए क्या काम हुआ है, या आपकी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसमें कुछ फ़र्क आया है? पहले जो चलती थी अखिलेश की सरकार में, जो आप कमाते थे और जो आप खिलाते थे बच्चों को, घर बार को, उसका आज की डेट में क्या हाल है? हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जैसे पहले था वैसे आज है, सही है। मगर कुछ ऐसे चीज़ें जैसे गैस सिलेंडर वगैरह है, बिजली का कनेक्शन वगैरह है, ये सारे सिस्टम जो है गवर्नमेंट जो है बड़े अच्छे तरीके से यहाँ पर गरीबों जो है वो हुआ है। लेकिन आपकी गैस, आप गैस चलाते हैं? बिल्कुल। तो सरकारी सब्सिडी वाली गैस मिलती है? सब्सिडी वाली अब तो बहुत महंगी हो गई, अभी तक तो थी। बस यही पूछना चाहिए, रुपए की है? अरे इस समय 937 रुपये। 937 रुपये? 937 रुपये एक दिन में 330 रुपये बढ़ गई थी जी। अभी पिछले हफ्ते, अभी हम कल ही लेके आए हैं ना, 937 रुपये के। तो मुझे ये बताएं कि गैस कनेक्शन बांटे, बिजली कनेक्शन बांटे, सारी चीज़ें काम बताएं, फिर मेरा सवाल समझिएगा, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या काम ऐसा हुआ है जिससे आपकी क्या तो कमाई बढ़ी हो? कमाई भी बढ़ी है, आपका काम बढ़ा नहीं, कमाई भी बढ़ी है, हर चीज़ बढ़ा है। कौन सी कमाई बढ़ी? आ गया हूँ, मुझे बताओ कमाई बढ़ी है? कमाई कुछ नहीं बढ़ी। क्या काम करते हो? मजदूरी। मजदूरी करते हो? जी हाँ। कितनी मिलती है? 300 रुपया। 300 रुपया कितनी मिलनी चाहिए? पहले कितनी मिलती थी? पहले मान लो 250 मिलती थी। 300 तो अखिलेश की जमाने से हुई। अखिलेश की जमाने से 300 हुई जी, और 300 है अभी तक। अभी भी 300 सही है, कुछ बढ़ा नहीं? नहीं, महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी जी हाँ। तो क्या कहोगे कि योगी सरकार का क्या काम हुआ? अब हम क्या बताएं, हम तो भाई मजदूर आदमी है, सरकार उनकी है तो जैसे चलाएंगे उसे हमको चलना पड़ेगा। ये किसान भी बहुत सारे बैठे हैं, ये सब ये जो मुद्दा है किसान कृषि जो बिल है इस पे, इसके बारे में कुछ जानते हो? तुम्हें क्या लगता है किसान जो कह रहे हैं जायज है नाजायज है? नहीं जायज है। जायज है जी हाँ। किसान जायज भाई, खेती बोए हैं, अब जिसके पास 10 बिछुआ है उसका खेत चल गया, उसके 4 बच्चे हैं, क्या खाएंगे? मजदूरी पूरा पड़ेगा। आज 25 रुपये किलो चावल बिक रहा है, वो कैसे अपने बच्चों को ला पाएगा? वही बात, कहाँ खेत रखा हुआ है, कहाँ मजदूरी करने जाए सब्जी के लिए। तो ये बताओ गरीब आदमी परेशान है? हाँ परेशान है। आने वाले चुनाव में क्या कोई उलटफेर हो सकता है? आप हो भी सकता है, क्या काम करते हैं आप? हम भी यही कुलाज पोताई काम करते हैं, पेंटर हैं। पेंटर का काम करते हैं? मजदूरी मिलती है या आप मिस्त्री हैं? नहीं मजदूरी है। कितनी मिलती है? 400 रुपये मिलती है। क्या है आप बताएं मुझे कि एक पहले 5 साल अखिलेश की सरकार रही, फिर 5 साल योगी जी की सरकार रही, काम आपने दोनों में किया, घर आपने दोनों में चलाया, आज की डेट में आपका हाल और पहले आपका हाल? पहले से ज़्यादा इतने समय दिक्कत, हाँ ज़्यादा दिक्कत है, क्योंकि माना कि गैस फ्री मिल गई लेकिन उसका चार्ज है वो ज़्यादा खर्चा बन गया, ऐसे मान लो नहीं रहा है तो चूल्हे में खाना बन जा रहा है, कोई पैसा चार्ज नहीं रहा है। अब गैस तो फ्री मिल गई लेकिन अब गैस है तो उसको भरवाना, भले खाए खाना ना पैसा घर पर हुए तो गैस वो हो गई,
दूसरी बात बिजली, बिजली कनेक्शन भी फ्री हो गए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बिजली बिल हवा बिगाड़े है, कमाई उतनी है नहीं, उतना बिजली बिल आ रहा है, तो आदमी परेशान तो होबे करिए। मतलब आप दे दो ठीक है, कनेक्शन फ्री करवा दो, गैस फ्री कर दे दो, लेकिन अब चार्ज बढ़ाए बढ़ा ले तो उम्र आदमी परेशान हो जाए, जैसे नहीं रहे मान लो हमारे पास यथाशक्ति नहीं रहे कि हमारे पास गैस नहीं, हम ला सके थे, लेकिन आप वो गैस हमको दे दिए कि फ्री दे दो, अब लेकिन अब एक बार भरवा के दे दो, दोबारा अब हम भरवाए अपने पास से उतनी कमाई है नहीं कि हमका गैस भरवाएं, लेकिन वह अब रखे खराबो है तो भले खर्चा रुक दिन जाए घर का, लेकिन गैस भरी जाए तो एक परेशानी तो है उससे। मैडम से बात करेंगे, आप गृहिणी हैं, मुझे आप बताएं घर का खर्चा और पहले और अभी में कुछ फर्क। अरे हमका का हमारे ना आदमी है ना बच्चे है, ठीक हम माँ बाप अकेले हैं, खेती के पैसा भरे ना, अब हमारे नाम खेती है, उसी के पैसा हमारा नहीं आवा, वो कनेक्शन दें गैस फ्री तो उसका वापसी नहीं आ, थोड़ा ऐसा पैसा आवा नहीं रहा गैस भरवाई, आप वापसी नहीं आवते, गैस भी महंगी हो गई और पेंशन भरे वही नहीं आ रही हमारी, मजदूरी करते हैं, क्या दिक्कत है? दिक्कत सभी है, दिक्कत सभी है भाई, 250-300 रुपया की मजदूरी में आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा, क्या बच्चों को बचा के देगा, तो इसमें हमारे जो है इस सरकार में हमें क्या फायदा है, कुछ भी फायदा नहीं। योगी जी का काम आपको 5 साल में कैसा लगा? बिल्कुल कूड़ा लगा है, कोई काम नहीं किया, बिल्कुल कूड़ा लगा है, इतने जानवर छोड़ के हम किसान आदमी है, बताओ अगर दिन में मजदूरी करने जाए तो रात में क्या खेत रखा है, या दिन रात खेत ही सिर्फ रखा है, रात रात में भी चौकीदारी करनी पड़ती है भैया, चौकीदारी क्या रात का, क्या दिन क्या रात, दोनों बराबर है हम लोगों के लिए। और ये उत्तर प्रदेश में बहुत सारे किसान खाद के लिए बैठे हैं, बता रहे हैं खाद महंगी हो गई है। खाद महंगी अभी भी समित में, अभी पिछले बार जो है सोमवार को अगर पुलिस ना आए गोसाईगंज थाने से तो खाद नहीं बटा सकते हैं समित वाले। अच्छा। खाद नहीं बटा सकते हैं, ठीक, इतना मारा मारी खाद की किसान के लिए, किसान के लिए, बाकी जो है बिजनेसमैन वालों के लिए, उसी में से बिजनेसमैनों को जा रही है, सिर्फ किसान के लिए मारा मारी। तो बताई तो किसान कोई लाभ नहीं, किसान को कोई लाभ नहीं है, महंगाई रुक नहीं रही है, नहीं हाँ रुक रही है, महंगाई महंगाई नहीं रुक रही है, अब तो बता तो रहे कि महंगाई रुक नहीं रही है, और कोई इसमें संदेह नहीं है कि अलर्टफेयर भी हो सकता है, जिस तरह से बीजेपी जो भी अपना गुणगान कर रही हो अपने कामों का, जो भी बता रही हो कि काम किया है, कहीं ना कहीं जनता को अभी भी रोष है जनता में, और आगे आने वाले चुनाव में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है उलटफेर तो हो सकता है, सपा बड़ी पार्टी बन के दोबारा उभर सकती है। योगी सरकार का एक आकलन अगर आप अपनी उसमें करेंगे तो क्या लगता है आपको, जो काम मतलब 5 साल में जनमानस की चीजों में, आम आदमी की रोजमर्रा की चीजों में कुछ आपको फायदा नहीं, और मतलब में जो है महंगाई बढ़ी है, और फायदा तो हमको, हम भाई हमको नहीं कुछ, किसी को उससे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि जो किसान ऐसे आंदोलन कर रहे हैं पूरे देश में, अब बीजेपी वालों से पूछा जाता है जब भी कि ये किसान कौन है, तो कहते हैं किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये दूसरे लोगों का प्रोपेगेंडा और एजेंडा फैला रहे हैं। आप लोग किसानी करते हैं, मैं आपसे आपके गाँव में बैठा हूँ, आप मुझे बताएं कि किसान को क्या दिक्कत है? अरे किसान को बहुत दिक्कत, खाद के पैसे बढ़ते चले जा रहे हैं, DAP कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, और मिल भी नहीं रहे मौके पर, कि मौके पर अब खेती चल रही है, समय बुआई चल रही है, कहाँ खाद मिल रही है, किसानों को नहीं मिल रही, पर महा परेशानी, खाद के लिए बैठे हैं उत्तर प्रदेश के किसान, और क्या, अरे इनसे पूछा जाता है तो ये कहते हैं किसान है ही नहीं, किसान है क्यों नहीं, कि बगैर किसान के ये सब खेती हो रही है, समझे, बगैर उसके तो अरे कहीं तो इतनी महंगाई बढ़ती जा रही, किसानन को तो एक पैसे नहीं धेला नहीं कोई फायदा है, समझो, कहीं था कि सबसे मेन चक्कर कि उनको खाद और गल्ला देखो कितना साला, इतनी उसकी लागत नहीं निकल रही, गल्ले की खाद जो है लागत नहीं निकल पाती है, कि अब क्या बताए। और जो ये खेत किसानी खेती से जुड़ा जो कानून बीजेपी ने किया
जिसको पास भी कर दिया है, जिसके लिए आंदोलन पे पूरे देश के किसान पंजाब के सबसे ज़्यादा बैठे हैं, उस पे आपका, आप यूपी के किसान हैं, मुझे बताएं आपका क्या नज़रिया है, ये कानून का इतना जायज़ है? नहीं, वो किसान जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज़ है, सिर्फ मैं कोई गलत नहीं बैठे, वो कानून गलत बनाया है इन्होंने, उसको वो निरस्त होना चाहिए कानून। बिल्कुल, ये मांग गलत नहीं है उसको निरस्त करने की, अगर एक साल से किसान बैठे हैं तो किसी को तो बीजेपी के किसी भी जो सत्ता में है उसको जाके उनसे पूछना चाहिए था, 200 से ज्यादा किसान दिल्ली में बैठे बैठे मर गए। हाँ, तो कितने आदमी मर गए, मर गए, तो क्या कुछ तो सरकार की जवाबदेही बनती है? बनती है, बिल्कुल बनती है, वो तो उनको खुद तो उनके बारे में सोचना चाहिए। आप अखबार पढ़ते होंगे, टीवी देखते होंगे, क्या कोई सरकार की तरफ से जवाब किसानों के लिए कुछ आपको? कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं, किसान मोदी जी ने, योगी जी ने कुछ बताया किसानों के लिए? कोई कोई चीज, कोई फायदा नहीं रहती कहीं से, कोई इन्होंने फायदा वाली सोची हो। अब आप मुझे ये बताएं कि उत्तर प्रदेश चुनाव को 3 महीने से भी कम समय बचा हुआ है, ये सारे मुद्दे लाइन से हैं, महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, पेट्रोल है, डीजल है, हैं सब चीज, नौकरियां हैं, नौकरियां 4 लाख नौकरी देने का वादा योगी जी ने किया था सरकार बनाने से पहले, आज की डेट में वो आज भी बोल रहे हैं कि हम अपॉइंटमेंट लेटर बांट रहे हैं। कहाँ बांट रहे हैं, खाली वो पेपर बांट रहे हैं, कहाँ किसको नौकरी मिली जा रही है, कुछ नहीं, असल में जो है वो केवल पेपरबाजी है, असल में जो है वो जो है कहीं किसको नौकरी मिली जा रही है, मैं नहीं समझ। आने वाले चुनाव में क्या लगता है आपको कि जनता ये सब इसका कुछ उलटफेर कर सकती है? बिल्कुल उलटफेर करेगी, बिल्कुल, वो पक्का है, वो उलटफेर होना है, बिल्कुल उलटफेर हो जाएगा आपके लिए, यूपी का तो उलटफेर होना ही होना है। हाँ, तो क्या लगता है कि कौन सी, बीजेपी के अलावा कौन सी ऐसी पार्टी है जो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी? बस सपा है, उसके अलावा बस सपा है, के अलावा कुछ नहीं, सपा उभरेगी।